स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके मेरे चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैथ्स में क्लास 10 बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसको पढ़ के हम आराम से मतलब 90% एवं नंबर हम लोग ला सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल एनालिसिस करके बता रहा हूँ क्या आपको पढ़ना है। अगर आप उतना तैयार रखते हैं अपना तो बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उतना प्रश्न पत्र तैयार है तो मैथ्स के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर इसी टॉपिक्स में से आने वाले हैं। सैंपल पेपर दिया हुआ है, वहाँ से एनालिसिस किया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस किया हुआ है, सब कुछ मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं कहीं से बता दे रहा हूँ ये टॉपिक उड़ा हुआ टॉपिक नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ क्या आपको पढ़ना है और क्या आपके लिए वर्क करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन से पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इसके डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू, जो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ठीक है, अब इसकी तीन वैल्यू, तीन नेचर हम लोग फाइंड करते हैं। तीन नेचर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कभी d की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू जीरो हो गया, कभी d का वैल्यू क्या हो गया लेस देन जीरो हो गया, और कभी d का वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो इन सारे नेचर ऑफ रूट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आपको क्या करने वाले हैं बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। हेल्पफुल कैसे होंगे, अब देखिए जब d की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते जा रहा हूँ। d की वैल्यू जब लेस देन जीरो होती है मतलब d की वैल्यू क्या हो गई माइनस में हो गई, और हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है d है, और अगर d माइनस में आ जाएगा तो वो अंडर रूट से बाहर आएगा नहीं। ये हम लोग का मामला है क्लास 11 का, तो हम लोग इस मामले में क्या कह देते हैं नो रियल रूट्स। और इस पे बहुत ही कम सवाल आते हैं, बहुत ही कम सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल किसमें आएंगे d इज इक्वल टू जीरो और d इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा सवाल इस पे आते हैं और इस पॉइंट पे मतलब तीसरे कंडीशन पे सबसे मतलब उसके बाद सवाल आते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि d अगर इक्वल टू जीरो है तो रूट्स आपके कैसे होंगे। तो d अगर यहाँ पे जीरो के बराबर है तो क्या हो जाएंगे इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रेटर देन जीरो है तो इक्वल तो नहीं होंगे, फिर अपना अलग अलग फाइंड कर लेंगे। तो इस कंडीशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके नेचर ऑफ रूट्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मतलब इक्वेशन दे रहा हूँ, मतलब अगर कोई इक्वेशन दे दिया आपको सॉल्व करिए उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 4, ऐसे कुछ भी कोई भी इक्वेशन दे दिया और बोल देगा इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा था कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन और आपको पढ़ने हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में इस मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो लेक्चर कराया हुआ है यूट्यूब पे उसमें मतलब सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वो मैंने कराया हुआ है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बस मैं क्वेश्चन का एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे आपने दिया गया एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सेवन 2x-3। अब ऐसा इक्वेशन दे देगा और इसको आपको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना रहेगा, फिर इसके रूट्स को निकालने रहेंगे। तो ये इजी है, मैंने कराया हुआ है, आप लोग उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं और एक बार आप लोग देख लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको बेसिक कैलकुलेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो भी क्वेश्चन है आप लाइक ये ऐसे क्वेश्चन हो गए आपके 4x² माइनस 4a² एक्स प्लस भारी मात्रा में क्वेश्चन आने वाले, मतलब लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले इस अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक सेक्शन से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आने वाले हैं, तो आप इन इक्वेशन को देख लेंगे और ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे खासे नंबर में कोई 2 नंबर या कोई 3 नंबर या कोई 5 नंबर में पूछे जाने वाले। उसके बाद ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको बस उसको जाके लिंक को देख लेना है, 20-20 मिनट का वीडियो होगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसका वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा और एक वर्ड का प्रॉब्लम आएगा 5 नंबर का, उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। पाइप एंड टाइम और वर्क को भी पाइप वाले क्वेश्चन को भी लगा लेंगे आप लोग, पाइप वाले टंकी वाले क्वेश्चन को भी लगा लेंगे, और एक बार ये टाइम एंड वर्क को भी लगा लेंगे। इतने टॉपिक आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी ऐसा मतलब टॉपिक है जो छूट गया है और आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है पांच नंबर के एक आने वाले हैं, बहुत सीरियसली लीजिए इसको और बहुत ईजी है। ठीक है, आपको ये देखना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम, पाइप एंड टाइम एंड वर्क। अगर आप लोग इतना टॉपिक देख लेते हैं ना तो आपका मोर देन सफिशियंट है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो आप तैयार कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। उसमें क्या पढ़ना है आपको और कितना पढ़ना है ये जानने के लिए, फिर आप अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में। ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में हमको पता है कि आपको सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट जो सीबीएसई के गाइडलाइन के द्वारा हम लोग प्रिपरेशन अपना पूरा जो सीक्वेंस किए हैं उससे हमको ये पता है कि जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी किसका, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है? केस बेस्ड स्टडी, सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है किसके, केस बेस्ड स्टडी के। तो आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत जो थी इसमें, जो बड़े बड़े सवाल थे, जो वर्ड प्रॉब्लम थे, इन सब सारी चीजों से क्या हो गया, छुटकारा मिल गया। केस बेस्ड स्टडी के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन तो यूट्यूब पे कराए हुए हैं जिसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको आप लोग देख लेंगे। बाकी आपको जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं। बस क्या होता है उसका पैराग्राफ बहुत लंबा होता है, मतलब बड़ा होता है। तो जब बच्चे उसको जब पढ़ते हैं उसको तो उसका क्या होता है डाटा भूल जाते हैं और उसको जो है उसको एक सिक्वेंस में नहीं कर पाते हैं, इससे वो क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाए। हालांकि जो सबसे आसान कैलकुलेशन है चार नंबर का क्वेश्चन होता है केस बेस्ड स्टडी, और जो सबसे आसान कैलकुलेशन होता है सिर्फ केस बेस्ड स्टडी का होता है, मतलब पूरे पेपर को अगर हम उठा लें एक नंबर से लेकर पांच नंबर तक, उसमें सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन जो होता है कितने नंबर वाला होता है, चार नंबर, जिसको बोलते हैं केस बेस्ड स्टडी। बस उसको आपको क्या करना होता है, ध्यान से उसको पढ़ना होता है पैराग्राफ को, जो भी डाटा दिया हुआ है गिवन में तुरंत लिखते जाना होता है और उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम से वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, केस बेस्ड स्टडी पे देना है। बाकी जो भी केस बेस्ड स्टडी के कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हुए जिसके मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप उसको देख लेंगे। बाकी आपके भी जो सैंपल पेपर में है केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन, आप उसको तैयार कर लेंगे, आपका चार नंबर बिल्कुल डन है, उसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं। चलिए देखते हैं फिर नए चैप्टर को।